VTR, वीडियो टेप रिकॉर्डिंग। देखिए VTR जो कि वीडियो टेप रिकॉर्डिंग थी, इसे 1956 में इंट्रोड्यूस किया गया था। बहुत ही इम्प्रूवमेंट थी इसमें उस टाइम में, जो कि रिकॉर्डिंग के मेथड को एक विजुअलाइज करती थी, यानी कि ऐसा लगता था जैसे स्क्रीन पे पिक्चर चल रही है, मोशन में पिक्चर्स चल रही हैं, तो एक सीन क्रिएट हो जाता था स्क्रीन पे टेलीविजन रिसीवर पे। उस टाइम में ये एक लाइव क्वालिटी थी, एक जो ब्रॉडकास्टिंग की, जो इसमें बहुत सारी कैपेबिलिटीज थी, यानी इसकी एडवांटेज ये थी, जो इसकी कैपेबिलिटीज थी वो ये थी। सबसे पहली बात थी कि इसे इमीडिएट प्लेबैक किया जा सकता था, यानी कि एक बार देख के उसे फिर से देखा जा सकता था इमीडिएट, तुरंत पिछले सीन को, जैसे हम आजकल नॉर्मली देख लेते हैं रिवर्स करके। ये इसमें क्वालिटी थी। नेक्स्ट सेकंड क्वालिटी इसमें ये थी कि इसमें क्या थी कि जो रिकॉर्डिंग मटेरियल था, यानी कि रिपीटिंग रिकॉर्डिंग मटेरियल था इसमें, यानी उसको हम रिपीट कर सकते थे, कन्वीनियंट था ये रिपीट जो रिकॉर्डिंग मटेरियल था। और इसको आप जितनी मर्जी हमारी टाइम हो, जितने टाइम हम उसे रिपीट करना चाहें उतने टाइम हम उसे रिपीट कर सकते थे। और थर्ड जो कि सबसे बड़ी क्वालिटी थी, जो कि उससे पहले नहीं थी, डुप्लीकेशन, यानी कि एक पिक्चर की या जो भी वीडियो है उसकी डुप्लीकेट बनाना। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन VTR जब आया था उसमें ये कैपेबिलिटी आ गई थी कि उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाई जाती थी, जो कि आजकल नॉर्मली मिलती है। तो ताकि उसको लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स देख सके। तो ये तो इंट्रोडक्शन हुई इसकी। अब इसके जो हमें वर्किंग है वो देखते हैं। देखिए, जो वीडियो सिग्नल होता है वो रिकॉर्ड किया जाता था मैग्नेटिक टेप्स में। सिग्नल रिकॉर्डिंग देखते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारी टेप है, मैग्नेटिक टेप्स में ये रिकॉर्ड किया जाता था और पिक्चर को रिप्रोडक्शन किया जाता था। और ये वैसे ही किया जाता था जैसे ऑडियो टेप्स में होता था, जैसे ऑडियो में साउंड रिकॉर्ड करते हैं, सेम वैसे ही इसमें क्या होती थी, जैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग में होती थी। मान लीजिए ये एक प्लास्टिक की टेप है, प्लास्टिक टेप्स होती थी पहले के टाइम में, तो जिसे माइलर बोला जाता था, MYLAR, माइलर बोला जाता था। और ये बहुत ही पतली कोटिंग होती थी इसके ऊपर फेरिक ऑक्साइड की, और ये मूव इसमें मूव करते थे, फिजिकल कॉन्टेक्ट इसमें जो टेप हेड था फिजिकल कॉन्टेक्ट के साथ इसमें मूव करता था, जैसे कि ये रिकॉर्डिंग हेड है, ये क्या करता था, कॉन्टेक्ट करता था टेप के साथ, और टेप इसमें फिर इसके ऊपर हेड के ऊपर मूव करती थी। यहाँ पे रिकॉर्डिंग हेड पे ये जो है ये इनपुट थी, यहाँ से इनपुट सप्लाई जाती थी, जो फ्रीक्वेंसी होती थी वो जाती थी, जैसे कि जिसका इनपुट देखें, इनपुट सिग्नल, तो ये फ्रीक्वेंसी होती जो इनपुट पे प्रोवाइड की जाती थी रिकॉर्डिंग हेड पे। ये रिकॉर्डिंग का कर रहे हैं कि रिकॉर्ड कैसे होती थी, कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कि टेप के हेड पे यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता था, जो कि अटैच होता था टेप के साथ थोड़ा सा, और वहां पे प्रोवाइड किया जाता था। इसमें क्या होता था कि जब सिग्नल प्रोवाइड करते थे तो हर टाइम में, यानी हर एक साइकिल में दो बार मैग्नेट जनरेट होते थे। मीन्स टू से कि ये जो साइकिल है इसमें दो बार मैग्नेट जनरेट होंगे। बार मैग्नेट तो आप समझ रही हैं, एक मैग्नेट जिसकी दो साइड्स होती हैं, नॉर्थ और साउथ, सेम इसी तरह से ही एक टाइनी बार मैग्नेट इस पे जनरेट होते थे। और जैसे कुछ इस तरह से टेप की मोशन क्या रहेगी, इस तरह से रहेगी और ये हेड पे मूव करेगी, और जो ये जो यहाँ पे टेप जाएगी, ये मतलब ये टेप रिकॉर्ड हो चुकी है। तो इसमें क्या हो गया, जो ये जो रिकॉर्डेड टेप थी उसमें बार मैग्नेट्स जनरेट होते थे, जैसे कि बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, फिर नॉर्थ फिर साउथ आएगा, ये नॉर्थ रहेगा तो इससे पिछले जो रिकॉर्ड होगा वो साउथ आएगा, इस तरह से, यानी इस तरह से ये रिकॉर्ड होते थे। दो टाइनी बार हर एक साइकिल में प्रोड्यूस होते थे टेप के ऊपर। और जो भी हमारी लेंथ होती थी बार मैग्नेट की, यानी इसकी जो बार मैग्नेट जो प्रोड्यूस होते थे टेप पे, इनकी जो लेंथ होती थी वो क्या होगी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती थी फ्रीक्वेंसी पे, कि कितनी फ्रीक्वेंसी अप्लाई की गई है, कितना सिग्नल अप्लाई किया गया, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन प्रोड्यूस होती थी इसकी लेंथ। देखिए, जो रिकॉर्डिंग टेप होती थी, बार मैग्नेट्स एक चेन की फॉर्म में
प्रोड्यूस होते थे। अब देखिए सबसे पहले चेन की फॉर्म में कैसे, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता था कि जो भी लाइक पोल, ये जो बार मैग्नेट्स होते थे इस तरह से एडजस्ट होते थे कि लाइक पोल एक दूसरे के साथ हों, लाइक पोल एडजस्ट होते थे एक दूसरे के साथ। कैसे, ये देखिए आपने इन दोनों में ध्यान किया होगा, तो साउथ साउथ के साथ लाइक पोल, नॉर्थ नॉर्थ के साथ, इसके बाद जो होगा वो साउथ था होगा जो शो नहीं किया गया, और यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ जो पिछला होगा वो साउथ होगा, यानी कि लाइक पोल्स एक दूसरे के साथ होते थे, उनको कुछ इस तरह से ये प्रोड्यूस होते थे, चेन बनती थी लाइक पोल्स की, एडजस्ट होते थे वो एक दूसरे के साथ। इसमें क्या होता था कि रिकॉर्डिंग टेप मूव करती थी यहाँ पे इस तरह से, इसकी ये रिकॉर्डिंग होती थी यहाँ से, ये हमारे बार मैग्नेट्स होते थे और ये हमारी शो करती थी टेप की विड्थ जिसपे हमारा ये जो हेड है ये मूव करता है, और ये जो दो बार्स हैं ये वाले और ये दो बार वन वेवलेंथ को शो करते हैं, एक वेवलेंथ को, सिर्फ एक वेवलेंथ को, यानी कि हर एक साइकिल में दो टाइनी बार मैग्नेट जनरेट होते थे, मैंने ये कहा था, तो ये जो दो बार मैग्नेट है वो एक वेवलेंथ को शो करेंगे, इस तरह से ये वर्क करता था। अब सबसे बड़ी बात देखिए इसमें क्या होता है, इसका जो हेड होता है ना इसके बीच में एक गैप होता है। आजकल बहुत डेवलप हो चुका है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन हम जो पहले की बात करें, जो पहले था कि इसमें जो हेड था उसमें गैप होता था, ये वाला गैप, ये जो गैप होता था इस गैप को गैप लेंथ बोलते थे। ये क्या काम करता था, जो भी रिकॉर्डिंग फ्रिक्वेंसी, अगर हमारी रिकॉर्डिंग फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती है, अगर हम रिकॉर्डिंग की फ्रिक्वेंसी को इनपुट से इंक्रीज कर दें, तो उस टाइम पे क्या होता था, लेंथ जो होती थी बार मैग्नेट्स की, यानी इनकी जो लेंथ होती थी ना वो डिक्रीज हो जाती थी, और लिमिटिंग, अगर लिमिटिंग फ्रिक्वेंसी है तो क्या होगा, ये क्या, जब भी हमारी फ्रिक्वेंसी जाएगी टेप स्पीड पे, जब भी एक लिमिटिंग फ्रिक्वेंसी पहुंचती थी तो जो टोटल लेंथ होती थी दो बार्स एडजस्टेड बार मैग्नेट्स की वो इक्वल हो जाती थी गैप लेंथ की, इसके ये हमारे गैप लेंथ को शो कर रहा है, और इस तरह से ये रिकॉर्डिंग की जाती थी। ये तो सिग्नल रिकॉर्डिंग की बात हो गई कि एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जिसे रिकॉर्ड करना है बार मैग्नेट्स की फॉर्म में एक मैग्नेटिक टेप पे, ठीक है ना। अब हम दूसरी देखते हैं कि उसको प्लेबैक भी किया जाता था, ऑब्वियसली रिकॉर्ड हुई है तो प्ले किया जाएगा, सेम वैसे ही अगर सिग्नल को प्ले किया जाता था कि ये टेप है, ये जो रिकॉर्डेड टेप है, मैंने कहा था लाइक पोल्स एडजस्ट होते हैं, नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, साउथ साउथ, अगेन नॉर्थ नॉर्थ, इस तरह से लाइक पोल्स एडजस्ट होते हैं, और तो इनके ऑब्वियसली पोल्स हैं तो कुछ फील्ड भी होगी, और फील्ड हमेशा हम जानते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, यानी ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी, ये भी ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ इस तरह से मूव करेगी, ठीक है ना। तो ये जो टेप इस तरह से मूव करेगी, हम कर रहे हैं, पहले हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे और टेप इस तरह से मूव कर रही थी, अभी इस तरह से मूव कर रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये हम प्लेबैक कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, इसमें भी एक प्लेबैक हेड होता है, ये प्लेबैक हेड है जिसे टेप हेड बोलेंगे, ये यहां से आउटपुट आएगी, ये क्या करेगी, यहां से क्या करेगी, यहां पे टेप मूव करेगी इसके हेड पे और हमें प्लेबैक मिलेगा। इसमें क्या होगा कि एक रिकॉर्डेड टेप जो कि रिकॉर्डेड हो चुकी है वो मूव करती है एक प्लेबैक हेड पे, यहां पे इसके साथ मूव करती है, और इसमें जैसे जैसे ये टेप यहां से इस तरह से मूव करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो उसके जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स लिंकेज होगी टेप हेड के साथ, वो चेंज होगा, जिससे वोल्टेज क्या होगी, डेवलप होती है कॉइल में, जितना जैसे फ्लक्स चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग कॉइल में वोल्टेज डेवलप होती है कॉइल टर्मिनल में, और ये जो फ्रिक्वेंसी होती है जो रिकॉर्डेड होती है उसे रिप्रोड्यूस किया जाता है ऑडियो सिग्नल में, जैसे कि हम ऑडियो सिग्नल में जैसे रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, ऐसे ही हमारा वीडियो टेप रिकॉर्डर्स होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अब हमारे आउटपुट क्या आएगी, कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है ना, ये हमारा आउटपुट सिग्नल होगा जो कि हम यहां से लेंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि अब देखते हैं इसकी ऑडियो रेंज कितनी होती है। देखिए जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है, जो आउटपुट होती है प्लेबैक हेड की, यहाँ पे जो आउटपुट आएगी प्लेबैक हेड की, वो एक टाइम में जीरो हो सकती है। क्या कंडीशन, एक कंडीशन होती है जिसमें हमारी आउटपुट जीरो हो सकती है, जिसमें अगर हमारा हर एक बार मैग्नेट
प्रोड्यूस करे इक्वल और ऑपोजिट वोल्टेज इन ए कोयल, यानी बार हर एक बार मैग्नेट कोयल में इक्वल और ऑपोजिट वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, उस टाइम पे जो प्लेबैक हेड होगा वो जीरो होगा, यानी कि कोई भी नेट फ्लक्स पास नहीं होगा कोयल हेड में से और आउटपुट पे कोई सिग्नल नहीं आएगा, ठीक है ना। जो टेप की स्पीड होगी 19 सेंटीमीटर होती है, जो कि 7.5 इंच जिसे बोल सकते हैं पर सेकंड में, और जो गैप लेंथ होगा वो 6.3 माइक्रोन्स होगा, यानी 0.00025 इंचेस। और जो फ्रीक्वेंसी, जो यूजेबल फ्रीक्वेंसी होगी जो कम आती है वो 15 के हर्ट्ज तक की होगी। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए इनफ होती है ये फ्रीक्वेंसी। अब हम ऑडियो सिग्नल की डायनेमिक रेंज देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो, यानी जो प्लेबैक होता है, प्लेबैक हेड होता है, उसमें जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जितना फ्लक्स में चेंज होता है। हर बार जब फ्रीक्वेंसी डबल होती है तो आउटपुट वोल्टेज ट्वाइस, यानी डबल हो जाती है। देखिए क्या होगा, हर टाइम में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो उस पहले वाली से हाफ होती है, यानी कि वन ऑक्टेव लो। सबसे पहली बात है कि ऑक्टेव क्या होता है, कि दो जो हमारी फर्स्ट और लास्ट नोट होता है, नोट मतलब कि जो म्यूजिक स्केल होता है उसमें टोटल सेवन जो होते हैं नोट्स होते हैं, जैसे स रे गा म प ध नी सा, तो स नी के बाद फिर से लास्ट में स आ जाता है, पहले स और लास्ट में स, यानी टोटल एट नोट्स होते हैं जिसे ऑक्टेव बोलते हैं। और जो इंटरवल होता है पहले स का और लास्ट वाले नोट, लास्ट वाले स का, वो ऑक्टेव होता है, यानी एक पर्टिकुलर इंटरवल, फिर इंटरवल के बाद उसका रिपीट होना वो होता है ऑक्टेव, उसे ऑक्टेव बोला जाता है। और ये हम कह सकते हैं कि हर टाइम जब जिस टाइम फ्रिक्वेंसी हाफ्ड होती है, जो पहले वाला होता है, तो आउटपुट उसकी जो होती है वो 6 dB तक होती है, कम होती है। हम अगर हम पूरी एंटायर एज्यूम करते हैं कि पूरी एंटायर ऑडियो जो रेंज है उसमें टोटल 9 ऑक्टेव ऑक्यूपाई हो रही हैं, तो आउटपुट जो फ्रिक्वेंसी जो होगी लोअर ऑक्टेव की वो 54 dB होगी, जो कि हायर, यानी लोअर ऑक्टेव मतलब हायर ऑक्टेव से पहले वाले की, हायर ऑक्टेव से पहले वाले की वो 54 dB तक होगी। तो ये हमारा ऑक्टेव होता है। इसमें एक इक्वलाइजिंग नेटवर्क डिजाइन किया जाता है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो आउटपुट वोल्टेज कम होती है, यानी 6 dB तक फॉल होती है पर ऑक्टेव में, तो ताकि वो अलाउ कर सके एक राइज रिस्पॉन्स, यानी अच्छा रिस्पॉन्स दे सके उस पे भी प्लेबैक हेड पे। ये ऑडियो सिग्नल डायनेमिक रेंज होती है। थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।